हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन। माय सेल्फ अनु सिंह और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुए थे आरपीएफ एसआई का। ओके, और ये मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है। इसमें जीएस का पार्ट मैं डिस्कस करूँगी। जिनके एग्ज़ाम आने वाले दिन में है वो ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं जो आने वाले दिन में जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, डेली जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें रिपीट हो रहे हैं, तो ज़रूर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, देने एक बेल आइकन आएगा उसको दबा दीजिए, और इसके बाद आपको इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको जितने भी एग्जाम होते हैं उसका क्वेश्चन पेपर विथ एनालिसिस विथ आंसर की आपको मिलेंगे, साथ ही साथ जीएस के टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक सब मिलेंगे। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्या पूछा गया था कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। ओके, तो कब हुआ था आम चुनाव? पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से लेकर 1952 के बीच में पहला आम चुनाव हुआ था। ओके, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा होता है। कितने सदन होते हैं? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, अपर कौन सा होता है? राज्यसभा। ठीक है, अपर होता है राज्यसभा और लोअर होता है लोकसभा। तो याद रखिएगा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉर्नर किक किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है। तो कॉर्नर किक जो शब्द है, शब्दावली शब्द है, ये प्रयोग किया जाता है फुटबॉल में। ठीक है, तो इससे तो पर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शब्दावली से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट बताना आपको कि IUPA का नाम में आपको एसिटिक एसिड का नाम बताना, तो क्या होता है इसका? एथेनोइक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ठीक है, इसमें देखिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है? राज्यसभा बनने के लिए 30 होती है, बाकी सभी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल, ठीक है, और राज्यपाल की बात करें यानी कि गवर्नर की बात करें तो तीनों की ही होती है 35 ईयर। ओके, और अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो इसमें होता है 25, यानी कि पीएम की भी होगी 25 और राज्यसभा का होता है 30। तो आपको ये सभी याद रखने हैं, आगे आने वाले दिनों में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। 1946 में जो कैबिनेट बनी उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ओके, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की है। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की है। तो सारे आपको राजधानियाँ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि पद्मा किस नदी, किस देश में बहती है। तो मैंने कई बार आपको बताया गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी जो बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उस नदी को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मोरक्को की राजधानी पूछ लिया है। मोरक्को की राजधानी क्या होती है? रबात। ओके, मोरक्को की राजधानी होती है रबात। ठीक है, तो याद रखिएगा। मपूतो किसकी राजधानी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्य तौर पर पत्तों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भाग में ले जाया जाता है किसके थ्रू। तो मैंने जब साइंस का लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था आपको दो पार्ट के बारे में, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। ठीक है, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम, और इसके लिए ट्रिक भी बताया था। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ले जाता है। जाइलम क्या करता है? जल यानी कि वाटर को ले जाता है। ठीक है, तो फ्लोएम जो है पौधों में फ्रूड यानी कि खनिज पदार्थों को ले जाता है, और जाइलम जो है वाटर को ले जाता है यानी कि मिनरल्स को ले जाता है। तो याद रखिएगा, तो इसका बी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है तैराकी से संबंधित है। आप देख सकते हैं कि जब तैरते हैं, जब तैरा जाता है तो दोनों हाथ फैलाया जाता है ना, तो इससे आप इसका ट्रिक लगा सकते हैं कि ये बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है, और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनके ये प्रसाद पर्यंत तक उस पर
पद पे बने रहते हैं। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति किसके के द्वारा की जाती है? ये भी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य कैबिनेट मंत्रियों का नियुक्ति करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नाइट्रस ऑक्साइड NHNO2 का आयनीकरण नियतांक क्या होता है? तो ये तो आपको याद करने वाली वैल्यू चीज़ें हैं, इसको याद रखना पड़ता है, 4.5 × 10⁻⁴। ओके, नेक्स्ट पूछा गया था कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जितने भी ऊर्जा संयंत्र वगैरह है इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे याद रखिए, ये महाराष्ट्र में स्थित है। पीनियल ग्लैंड से क्या स्रावित होता है? पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन स्रावित होता है। इंसुलिन क्या है, इससे क्या होता है, मैंने कई बार बताया है, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, क्योंकि मैंने कई बार बताया है इसे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 में, ठीक है, सबसे पहले हुआ था पहला अधिवेशन। किसने अध्यक्षता की थी? WC बनर्जी ने की थी, ठीक है, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और किसने स्थापना की थी? AO ह्यूम ने, ठीक है, AO ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और पहली अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने 1885 में बॉम्बे में, ठीक है। ये कई बार रिपीट हुआ है आप ही के जितने भी RPF एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 13वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय केलकर। 14वें के कौन थे? YV रेड्डी, ठीक है, YV रेड्डी थे, ये थे। और अगर 15वें की बात करें तो कौन है अभी वर्तमान में? NK सिंह है, ये वर्तमान में है, ये 14वें थे और ये 13वें, तो याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में 12, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? गडकरी विद्रोह कोल्हापुर में हुआ था। ओके, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 4 वर्ष किसका होता है? 4 वर्ष होता है US के, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है। 6 वर्ष किसका होता है? रूस का होता है। और 1 वर्ष जो है, 1 वर्ष और 1 ईयर होता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इधर और भी बहुत सारे कंट्रीज इसमें 6 साल होते हैं, 5 साल होते हैं, तो आप जाके ये देखिए कि कितने कैसे कौन कौन से कंट्री में कितने कितने टर्म होते हैं, ठीक है। वैसे इंडिया में 5 साल और मेन मैंने आपको बता दिए, 6 साल रूसिया में होता है, 4 साल USA में होता है, और USA में सिर्फ 2 बार बन सकते हैं, लगातार अगर 2 बार बनना चाहें तो 2 बार बन सकते हैं, उसके बाद नहीं बन सकते हैं कंसेक्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च से निम्न शीर्ष की ओर बहने वाली महासागरीय धाराओं को क्या कहते हैं? मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बहने वाली महासागरीय धाराओं को क्या कहते हैं? उसे शीतल बोलते हैं, ठीक है। इंडियम तत्व का परमाणु क्रमांक, तो ये तो आपको पीरियोडिक टेबल से आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो होता है 49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, बैंकिंग टर्म है, इसको याद रखिए। जैसे कि एक होता है रेपो रेट RR, ठीक है, और RRR का मतलब रिजर्व रेपो रेट होता है। SLR सिक्योरिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो है SLR, ठीक है। नेक्स्ट है पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र कहाँ पाए गए हैं? ठीक है, ये कहाँ पाए गए? अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ये भी याद रखिए, कई बार ये पूछा गया है, अजंता की गुफाएं भी और एलोरा की भी गुफाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? जीवन स्मृति बुक ये लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है? आपने ह्यूमस का नाम सुना होगा, ह्यूमस को ही कहा जाता है डेड कार्बनिक, ठीक है। मृदा का डेड माने मतलब कि मृदा का डेड कार्बनिक पदार्थ जो है कहलाता है ह्यूमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो ये सारे फुटबॉल से हैं, लियोन मेसी, पेले, नेमार, ये सब, लेकिन माइकल सुमेकर ये क्या है? तैराक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलकत्ता
A1 फुट कलकत्ता क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना की गई 1792 AD में। नेक्स्ट है एका आंदोलन, एका आंदोलन जो है कब क्या का नेता कौन था, मेन नेता कौन था, एका आंदोलन कब का नेता कौन था, दो नेता थे, अगर इसमें एक ही नाम दिया आप उसी को लगाइए, एक तो मदारी पासी थे और दूसरे थे सहदेव, ठीक है, सहदेव। किसके लिए चलाया गया था एका आंदोलन, ये किसानों ने चलाया था यूपी में, हरदोई बहराइच और किस लिए चलाया था, ये चलाया था कि लगान में वृद्धि हो रही थी उसके अंतर्गत ये चलाया गया था ये विद्रोह, एका विद्रोह। तो याद रखिए किसानों के द्वारा अवध में चलाया गया ये विद्रोह था लगान के विरुद्ध, और इसके दो इसके नेता थे, एक मदारी पासी और एक सहदेव। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से भारत के किस राज्य की विधान सभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए किस में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है आपका यूपी में, तो कहाँ है ये, यूपी में, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो होते किसके द्वारा शासित किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की खाई यानी कि जापान ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, ये प्रशांत महासागर में, सबसे गहरी जो खाई है ट्रेंच है मारियाना ट्रेंच, ये भी प्रशांत महासागर में है। ओके नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण किस कहाँ इसका मुख्यालय स्थित है, तो ये दिल्ली में है। ओके नेक्स्ट है कि सूर्य और बृहस्पति के बीच की दूरी कितनी है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन SI में पूछे जा रहे थे, बट अभी जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो रहे उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनने देखने को मिले हैं, ठीक है। सूर्य और बृहस्पति के ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, 778.5 मिलियन किलोमीटर। मांड कहाँ का लोक नृत्य है, लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि अभी जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो रहे उसमें भी बन रहे हैं, तो ये राजस्थान का है, बाकी के भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदार विनिमय दर प्रबंध प्रणाली यानी कि लम्स का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि लम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, लिबरलाइजेशन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम आपका इसको नाम पता होना चाहिए, और ये कब विघटन कब हुआ था, इसका विघटन कब हुआ था, 1993 में हुआ था, ठीक है। अब नील की खेती से पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नील की खेती के दो प्रमुख पद्धतियां हैं, एक तो निज है और दूसरा कौन सा है, ये बताना है। नील की खेती में दो पद्धतियां थी, एक तो निज, ठीक है, निज में क्या होता था किसानों को जो है किराए पर मतलब एक तरह से उनको पैसा दे के काम करवाया जाता था, और ठीक है एक होता है रैयत, इसमें क्या होता है, इसमें बेगारों की तरह काम करवाया जाता है, वो निजी देखरेख में रहता है और किसानों को बेगार की तरह काम करवाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही पद्धतियाँ थी नील की खेती की, ठीक है। इसके लिए गांधी जी ने नील विद्रोह भी किया था, अब ये बताइए नील विद्रोह कब हुआ था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसके ऊपर होता है, तो ये भी दायित्व केंद्र चुनाव आयोग के पास ही होता है, ठीक है। ये और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, 324, तो ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये किया गया था क्रिस्टेन ह्यूजेंस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, मुद्रा से राजधानी से ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये स्विस फ्रैंक, ठीक है, स्विस फ्रैंक किसकी राजधानी है, और स्विट्जरलैंड के बारे में मैंने अभी बताया भी था कि यहाँ की राष्ट्रपति का जो टर्म होता है 1 ईयर होता है, ये भी याद रखिएगा। आंद्रे अगासी का उपनाम द वॉल्स वेगास किड है, ठीक है, उपनाम से मैंने भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर वीडियो बना चुका, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण में द्रविड़ों का संबंध किससे है, कल यानी कि 6 फरवरी में एक क्वेश्चन पूछा गया था RPF कांस्टेबल में कि खजुराहो टेम्पल किस शैली में बना है, ठीक है,
खजुराहो टेम्पल किस शैली में बना है? तो मैंने आपको बताया था नागर शैली में, तो ठीक है इसी से क्वेश्चन पूछ लिया। ये किससे संबंधित है? मंदिरों से, ठीक है। और जो साउथ के मंदिर होते हैं वो सब बनते हैं द्रविड़ शैली में, तो ये सब मंदिर बनाने की शैली है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम खोज वगैरह से पूछे जा रहे हैं साइंस से, तो जॉर्ज इमील पैलाडे ने की थी राइबोसोम की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में गुड़ज 10^-21 का उपसर्ग क्या है? क्या कहते हैं? जेप्टो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा गया है कि अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक का नाम है? ये है मैरी कॉम। इनका उपनाम क्या है? इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? पहली महिला क्रिकेटर बनी हरमनप्रीत कौर, ठीक है। मिताली राज क्या थी? ये हमारी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण बेलगोला में स्थित है, ठीक है। और माउंट आबू को क्या कहते हैं? राजस्थान का हिल बोला जाता है, माउंट आबू राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण का सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो त्वरण फोर्स सभी के आपको सूत्र याद होने चाहिए, गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा सभी के आपके सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि कभी भी ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं। त्वरण का क्या होता है? फोर्स अपन टाइम, सॉरी वेलोसिटी अपन टाइम, यानी कि वेग अपन समय, ठीक है। अभी कल के एग्जाम में आई थिंक पूछा था कि प्रेशर का क्या होता है, ठीक है। प्रेशर का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि आपदा प्रबंध विधेयक अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 2005 में, ओके। और इस सेट का लास्ट जीएस का क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा जो है देश भारत का भारत से उसकी सीमा नहीं मिलती है, ठीक है, कौन सा है जो भारत से सीमा नहीं मिलती है? तो पाकिस्तान मिलती है, चीन मिलती है, अफगानिस्तान मिलती है, थाईलैंड नहीं मिलती है। तो आपको पूरा इंडिया का मैप का पूरा फिगर आपके माइंड में छपा होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश है, कौन हमारे लैंड बाउंड्री यानी कि स्थल सीमा को टच करते हैं, कौन सा स्थल सीमा को टच नहीं करते हैं, सभी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये थे जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर देखिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर से रिपीट हो जा रहे हैं परसिप क्वेश्चन हर एग्जाम में जो हो रहे हैं आरपीएफ के, ठीक है। ओके गाइस, अगर इससे आपको हेल्प मिल रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। देन थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।